आज हम आप लोग को टीनिया सोलियम के बारे में बताएंगे। टीनिया सोलियम जो है वो प्लेटी हेलमिंथिस के क्लास सिस्टोडा से बिलोंग करता है। अगर टीनिया सोलियम को कामनलिका कहा जाता है टेपवर्म, टीनिया सोलियम को कामनलिका कहा जाएगा टेपवर्म। अगर टीनिया सोलियम को देखा जाए तो टीनिया सोलियम एक डाइजेंटिक पैरासाइट है। डाइजेंटिक पैरासाइट मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट जो होता है इसका मैन है और सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है पिग होता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट हो रही, दो होस्ट पे, प्राइमरी होस्ट मैन और सेकेंडरी होस्ट पिग। अगर टीनिया को देखा जाए तो टीनिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं, इसमें दो मुख्य कॉमन स्पीसीज हैं, एक टीनिया सोलियम और दूसरा टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सोलियम को कॉमनली हम पॉर्क टेपवर्म भी कहते हैं, चाहे टेपवर्म कहेंगे चाहे क्या कहेंगे पॉर्क टेपवर्म। टीनिया सेजिनेटा को हम क्या कहते हैं, टीनिया सेजिनेटा को हम कहते हैं बीफ टेपवर्म या अनआर्म्ड वर्म। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो टीनिया सोलियम के अगर हम टीनिया सोलियम को हम देखते हैं तो इसके इसको स्कोलेक्स रीजन में या हेड रीजन में रास्टलम और हुक पाया जाता है, जबकि बीफ टेपवर्म में देखा जाए तो यहाँ पे रास्टलम और हुक अब्सेंट होता है। तो टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम में मेन डिफरेंस यही है कि टीनिया सेजिनेटा में रास्टलम और हुक अब्सेंट होता है, जबकि टीनिया सोलियम में रास्टलम और हुक प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस यह है कि टीनिया सेजिनेटा का जो लेंथ होता है वो टीनिया सोलियम से ज्यादा होता है। अब आइए हम आपको टीनिया सोलियम के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। अगर टीनिया सोलियम को देखें तो टीनिया सोलियम का तीन पार्ट होता है। टीनिया सोलियम कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट। पहला पार्ट होता है हेड या स्कोलेक्स, दूसरा पार्ट होता है नेक और तीसरा पार्ट होता है स्ट्रोबिला। इस तरह हम देखते हैं टीनिया के बॉडी पार्ट कितने पार्ट है, तीन पार्ट, हेड या स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। अगर हम हेड की बात करते हैं तो हेड में देखते हैं कि क्या पाया जाता है, हेड में पाया जा रहा है, हेड रीजन को अगर देखें तो हेड में पाया जा रहा है क्या रास्टलम, और रास्टलम से लगा हुआ इसमें हुक पाया जाता है, इसे रास्टलर हुक भी कहते हैं। रास्टलर हुक की संख्या 32 होती है। ठीक है, ये 16-16 के क्रम में अरेंज होते हैं, दो रो में अरेंज होते हैं, एक में 16 एक में 16। अगर हेड रीजन में देखें तो इसमें 4 सकल पाए जाते हैं, इन सकल की सहायता से किसी बॉडी पार्ट से अटैच होता है। अब हेड स्कोलेक्स के बाद हम अगला देखते हैं टीनिया सोलियम में दूसरा जो पार्ट होता है वो नेक रीजन होता है। नेक रीजन से ही बॉडी पार्ट के नए सेगमेंट्स बनते हैं। टीनिया सोलियम में नए सेगमेंट्स का निर्माण किससे होता है, हेड नेक रीजन से ही होता है, इसलिए नेक रीजन को रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन भी कहा जाता है। अगला चीज देखिए, चूंकि टीनिया सोलियम में नए सेगमेंट्स का निर्माण नेक रीजन से हो रहा है इसलिए इसे स्यूडो सेगमेंटेशन भी कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं टीनिया सोलियम में क्या पाया जा रहा है, स्यूडो सेगमेंटेशन। क्यों स्यूडो सेगमेंटेशन, क्योंकि इसमें नए सेगमेंट्स का निर्माण कहां से हो रहा है, नेक रीजन से हो रहा है। अब हम इसके बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, स्ट्रोबिला को देखते हैं। स्ट्रोबिला को जो बॉडी पार्ट है इसको कितने भागों में बांटा गया है, कई सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट्स बांटे गए हैं। इन छोटे छोटे सेगमेंट्स जो बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसके बॉडी को हम तीन प्रकार के प्रोग्लॉटिड्स में बांटते हैं, एक इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, दूसरा मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, तीसरा क्या है ग्रेविड। जो इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होता है वो देखा यह गया है कि इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स जो है उसमें सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते, टेस्टिस ओवरी नहीं पाए जाते हैं। दूसरा जो मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स है उसमें देखा जाता है सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस और ओवरी पाए जाते हैं, जबकि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स जो होता है उसमें देखा गया है ब्रांच्ड यूट्रस पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, ब्रांच्ड यूट्रस पाया जाता है, और ब्रांच यूट्रस के बीच में क्या पाया जाएगा, एग पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, अगर हम स्ट्रोबिला को देखते, ये टीनिया सोलियम को देखते हैं तो टीनिया सोलियम में प्रतिदिन लगभग देखा जाता है 6 से 7 नए सेगमेंट्स का निर्माण होता है, और जितने नए सेगमेंट्स का निर्माण होता है उतने ही सेगमेंट्स का बॉडी से रिमूवल भी होता है, डिटैचमेंट होता है। तो रिमूवल ऑफ बॉडी सेगमेंट जो होता है मेन बॉडी से क्या कहलाता है, एपोलाइसिस। ठीक है, बॉडी सेगमेंट का डीजनरेट होना या बॉडी सेगमेंट का टीनिया सोलियम से अलग होना ही क्या कहलाएगा, एपोलाइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो बराबर कंपटीशन में पूछा जाता है, एपोलाइसिस, बॉडी सेगमेंट्स का रिमूव होना ही क्या कहलाएगा, एपोलाइसिस। अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की,
ठीक है, इसमें अगर इसमें पहले देख ले माउथ अब्सेंट है, ठीक है आई अब्सेंट है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि न्यूमरस टेस्टिस पाई जाती है। देखिए पूरे होल सेगमेंट्स में टेस्टिस क्या है, फैली हुए हैं, तो ऐसे टेस्टिस को जो पूरे सेगमेंट्स फैली होती है उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज टेस्टिस। ऐसे टेस्टिस को क्या कहेंगे, डिफ्यूज टेस्टिस। टेस्टिस एक फाइन डक्ट से लगी होती है, फाइन एक पतली पतली रचना से लगी होगी, उसे क्या कहेंगे, वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया आगे चलकर एक मोटी डक्ट में ओपन होगी, उसे कहेंगे वास डिफरेंसिया। और वास डिफरेंसिया आगे चलकर ओपन होगी एक कॉमन जेनाइटल पोर में। कॉमन जेनाइटल पोर में ओपन होने से पहले वास डिफरेंसिया में मस्कुलर सीरस पाया जाता है। मस्कुलर सीरस जो होता है इसको हम, ये एनालॉगस किसके होता है, पेनिस के। मस्कुलर सीरस जो पाया जाता है वो एनालॉगस किसके है, पेनिस के। अगर फीमेल पार्ट्स को देखें तो इसमें क्या है, ओवरी पाई जाती है, इसमें सिंगल ओवरी पाई जाती है, लेकिन ओवरी जो होती है वो क्या होती है, बाइलोब्ड होती है। ओवरी ओवी डक्ट के द्वारा कहाँ ओपन हो रही है, ऊ टाइप में। ओवरी किसमें ओपन हो रही है, ऊ टाइप में। और ऊ टाइप से एक साइक्लाइक रचना निकलती है, उसे क्या कहते हैं, यूट्रस। ऊ टाइप के चारों ओर एक स्पेशल ग्लैंड पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, मेलिस ग्लैंड। मेलिस ग्लैंड क्या करती है, लुब्रिकेंट का सिक्रीशन करती है। ऊ टाइप से नीचे की तरफ वेटलाइन ग्लैंड लगी होती है, और वेटलाइन ग्लैंड क्या करती है, ये याक का निर्माण करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पूरा एक कंप्लीट अकाउंट जो है, क्या कहते हैं, टीनिया सोलियम का, वो कंप्लीट हुआ। अब आगे चलकर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे। अब हम आप लोग को टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं आप लोग को कि टीनिया सोलियम जो होता है वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये हुआ कि मेल फीमेल सेक्सागर एक ही सेगमेंट में पाया जा रहा है, एक ही ऑर्गेज्म में पाया जा रहा है। और इसमें क्या होता है, मैच्योर प्रोग्लैंडिड जो होता है उसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों पाए जाते हैं। होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट। और जायगोट जो बनता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एग कैप्सूल में। और जब जायगोट एग कैप्सूल में कन्वर्ट हो गया तो एग कैप्सूल बाहर आता है कहां से, प्राइमरी होस्ट से। एग कैप्सूल कहां आया, प्राइमरी होस्ट के शरीर से बाहर, ठीक है, फीकल मैटर के द्वारा बाहर आता है और ये पड़ा रहता है जमीन पर। एग कैप्सूल से बाहर डिजॉल्व होगा, उससे फिर एक अंकोस्फीयर निकलेगा। क्या निकलेगा, एक राउंडेड स्ट्रक्चर निकलेगा, उसे क्या कहेंगे, अंकोस्फीयर। उस अंकोस्फीयर के अंदर जो थिक पार्ट राउंडेड स्ट्रक्चर अंकोस्फीयर होता है उसके अंदर सिक्स हुक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अंकोस्फीयर के अंदर सिक्स हुक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हेक्साकैथ लार्वा। बाद में अंकोस्फीयर डिजॉल्व होगा और हेक्साकैथ लार्वा बाहर आएगा। हेक्साकैथ लार्वा जब बाहर आएगा तो यही इन्फेक्ट करता है किसको, सेकेंडरी होस्ट एक को। हेक्साकैथ लार्वा जब बाहर आएगा कहां से, प्राइमरी होस्ट से। एग कैप्सूल बाहर आया प्राइमरी होस्ट से, और प्राइमरी होस्ट से जब एग कैप्सूल बाहर आया तो डिजॉल्व हुआ, क्या बनाया, अंकोस्फीयर। और अंकोस्फीयर कन्वर्ट होता है किसमें, हेक्साकैथ लार्वा में। अंकोस्फीयर किसमें कन्वर्ट हुआ, हेक्साकैथ लार्वा में। अब हेक्साकैथ लार्वा जो होता है वो इन्फेक्ट करेगा सेकेंडरी होस्ट पिग को। कब इन्फेक्ट करेगा, जब फीकल मैटर या ये जो अंकोस्फीयर लार्वा पड़ा हुआ है या अंकोस्फीयर जो वहां पे मिट्टी पड़ा हुआ है, पिग जाएगा इसको खाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा हेक्साकैथ लार्वा। हेक्साकैथ लार्वा पिग के अंदर जाकर इंटेस्टाइन से होता हुआ ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आएगा कहां, बॉडी मसल्स में। हेक्साकैथ लार्वा इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से होता हुआ कहां जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन से कहां जाएगा, बॉडी मसल्स। और बॉडी मसल्स से आके एक सैक लाइक एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसे कहेंगे ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस लार्वा। ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस लार्वा जो होता है वो इन्फेक्ट करता है किसको, प्राइमरी होस्ट माइन को, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं सिस्टी सर्कस लार्वा या ब्लैडर वर्म लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज किसका है, माइन का। और हेक्साकैथ लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज किसका हो गया, पिग का, ठीक है। अब माइन के अंदर ये प्राइमरी होस्ट फिर कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट में, इस तरह ये लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिस्टी सर्कस लार्वा माइन के अंदर इंटर करता है, एक डिजीज काज करता है टीरियसिस। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि अंकोस्फीयर जब कंटामिनेटेड फूड माइन लेता है तो
क्या होता है, एक्वास्फीयर डायरेक्ट इंटर कर जाता है किसपे, मैन में। और जब डायरेक्ट इंटर कर जाएगा मैन में तो जो डिजीज यहाँ पे होगी वो क्या कहलाएगी, सिस्टिसर्कोसिस, ठीक है ना। अगर सिस्टिसर्कस लार्वा अंदर इंटर कर रहा है तो कौन सा डिजीज काज करेगा, टिनियसिस। लेकिन एक्वास्फीयर अगर कंटामिनेटेड फूड या वाटर के द्वारा डायरेक्ट इंटर कर जा रहा है प्राइमरी होस्ट मैन में तो डिजीज काज करेगा सिस्टिसर्कोसिस। इस प्रकार ये लाइफ साइकिल टीनिया सोलियम की कंप्लीट। थैंक्स।